हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्विक लोडिंग या विंड लोडिंग और इम्पोस्ट लोडिंग। अब देखो, ये सारी जो लोडिंग है ना, ये जनरली अलग अलग के लिए डिफर होती रहती है। तो अभी जब हम लाइव लोड के बारे में पढ़ रहे थे, तो लाइव लोड में हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब देखो, इम्पोस्ट लोड क्या होता है, अर्थक्विक लोड क्या होता है और विंड लोड क्या होता है, इसको हम कंबाइंडली समझेंगे। अगर कोई बिल्डिंग, अगर कोई ब्रिज है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी बात ब्रिज की चल रही है। देखो, जब भी ब्रिज की बात करते हैं तो वेदर इट वॉज लाइव लोड, वेदर इट वॉज इम्पोज लोड और अर्थक्विक लोड, एनीथिंग एल्स। तो अगर लाइव लोड को देखें तो लाइव लोड में भी क्या हो रहा है कि आपका ये जो व्हीकल है वो एक पोजीशन पे नहीं रुक रहा है, ये टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, इसलिए ILD का यूज कर रहे हैं। अब जब ये पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है, ये जो लोड हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम कह रहे हैं इम्पोज लोडिंग। इम्पोज लोडिंग जनरली एक तरह की डायनेमिक लोडिंग का है कहलाती है। जब भी हमें डायनेमिक एनालिसिस करना होगा, तो डायनेमिक एनालिसिस के लिए जो हम लोडिंग का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आपका इम्पोज लोड। और इम्पोज लोड किसके कारण आता है, ये जो वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं इनके कारण आता है, ये जो ट्रैफिक आ रहा है इनके कारण आ रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके कारण आ रहा है, मतलब कि वो सारी चीजें जो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इम्पोज लोड। मतलब फिक्स्ड नहीं है, एक पोजिशन कभी भी इनकी नहीं रहती। तो क्या होता है कि जब हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं, अगर हमें ब्रिज की डिजाइनिंग करनी है, तो ब्रिज में हम क्या करेंगे, आपका डेड लोड है ना, आपका लाइव लोड और जो भी आपका इम्पोज लोड आ रहा है, इन सबको हम क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे है ना, इम्पोज लोड। जनरली जब आप फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते हैं, तो फाउंडेशन की डिजाइनिंग करते टाइम आपको इम्पोज लोड लेना ही होता है। तो इम्पोज लोड क्या रहता है, ये जो आपका लाइव लोड है, इसी का कुछ परसेंटेज हम कंसिडर कर लेते हैं इम्पोज लोड में। वो डिपेंड करता है कि आपका इम्पोज लोड, लाइव लोड किस टाइप का है और कितना आ रहा है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये 20% है, 1% है, 4% है। तो ये वेरिएशन होता है इम्पोज लोड में, जो कि डिसाइड होता है आपके लाइव लोड और टाइप ऑफ लाइव लोड के ऊपर। लाइव लोड के कारण ही इम्पोज लोड आता है, कभी भी डेड लोड के कारण नहीं आए, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपके अर्थक्विक लोड की या फिर विंड लोड की, तो जनरली ये जो सारे लोड है, ये कैसे लोड है, एक्सियल लोड है। दो तरीके के लोड होते हैं, एक तो आपको होता है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड बोले तो वो सारे लोड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वेदर इट वॉज पॉइंट लोड, वेदर इट वॉज यूडीएल, तो उसको हम कहते हैं एक्सियल लोड। एक्सियल लोड में कौन कौन सी लोडिंग आ रही थी हमारी, डेड लोडिंग, लाइव लोडिंग, इम्पोज लोडिंग। अब यहाँ पे अर्थक्विक लोड और ये जो विंड लोड है, ये अर्थक्विक लोड और विंड लोड क्या है, लेटरल लोडिंग है। लेटरल लोडिंग बोले तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है, अच्छा इसमें एक और लोड मैं ऐड कर रही हूँ, क्यों ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग भी आएगी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पानी के अंदर बन रहा है। वहां जो कॉलम्स है, बहुत सारे जो आपके ब्रिजेस रहते हैं, वो कहाँ बनते हैं, आपका आपका क्रॉस ओवर रिवर के ऊपर बनते हैं, तो वहां पे हाइड्रोलिक लोडिंग लगेगी। तो ये सारी लोडिंग कैसी है, लेटरल लोडिंग है। अगर हम फर्स्ट बात करें हमारे अर्थक्विक लोड की, देखो अर्थक्विक लोड की अगर आप बात करोगे, तो हमारे इंडिया को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया में बात करें, तो इंडिया में बहुत सारे जोन्स हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से जोन मिलेंगे, आपको जोन 2 मिलेगा है ना, जोन 3 मिलेगा, जोन 4 मिलेगा, जोन 5 मिलेगा। जोन 1 और 2 को कंबाइंड करके हम जोन 2 कहने लगे। तो अलग अलग जोन्स क्या क्या डिनोट करते हैं, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे अर्थक्विक आने की टेंडेंसी कितनी है। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, उतना हाई लेवल होगा जोन का। अगर उतना हाई लेवल होगा जोन का, मतलब कि आपको अगर डिजाइनिंग करनी है, तो उसमें एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस आएंगे, और एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस आएंगे तो आपको उस टाइम पे अर्थक्विक लोड को कंसिडर करना होगा। तो ये तो हमने समझ लिया अर्थक्विक लोडिंग। जब भी आप अर्थक्विक लोडिंग की बात करेंगे, दो डायरेक्शन में देखना है, कौन कौन से डायरेक्शन में, या तो आपको देखेंगे EQX माइनस X एक्सिस प्लस X एक्सिस में, और
EQ माइनस वाई एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस में, तो दो एक्सिस में आप क्या देखेंगे, इसमें लोडिंग देखेंगे। अब इतना समझ आ गया, एक इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंडियन नेशनल कोड है IS 1893-2016, है ना, देख लेना इस कोड कौन सा एक बचे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें विंड लोड की, तो विंड लोड क्या होता है, देखो या तो आप अर्थक्वेक लोड लगाओगे या तो आप विंड लोड लगाओगे, दोनों को एक साथ कभी नहीं लगाओगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को लगाते हैं दोनों ही लेटरल लोड है, और अगर दोनों को एक साथ लगा दिया मतलब कि स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, इतना ज्यादा इसकी कॉस्टिंग आएगी कि मतलब आप बना ही नहीं सकते उसको। तो इसलिए ये दोनों ही लेटरल लोडिंग सिस्टम है, तो या तो आप अर्थक्वेक लोड लगाओगे या फिर आप यहाँ पर विंड लोड लगाओगे, ठीक है। अगर हम विंड लोड की बात करते हैं तो विंड लोड कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, देखो विंड लोड अगर हम विंड लोड की बात करते हैं तो कोई हमारा हिली टेरेन है। अब हिली टेरेन में अगर आपको यहाँ पे आपका घर बनाना है या यहाँ पे आपको आपका ब्रिज बनाना है, तो अगर आपका ब्रिज काफी हाइट पर बन रहा है तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी डेंसिटी क्या रहेगी, एयर की ज्यादा रहेगी। अगर एयर की वेलोसिटी डेंसिटी, डेंसिटी तो कम रहेगी, अगर यहाँ पे आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी काफी हाई मिलेगी, तो अगर हाई वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, वो हमारे स्ट्रक्चर को इम्पोज करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा स्ट्रक्चर गिर सकता है, डिमोलिश हो सकता है। तो इसलिए वहां पे विंड लोड में भी अलग अलग जोनिंग है ना। विंड जैसे हमारा इंडिया को हमने अर्थक्वेक लोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करा है, ऐसे ही विंड लोड के हिसाब से भी हमारे इंडिया को अलग अलग डिवाइड करा है। 187 आपका IS कोड है, जिसमें जाकर के आप इसकी विंड लोडिंग, अलग अलग लोडिंग Part 1, Part 2, Part 3 उसमें देख सकते हो, तो वहां पे पूरा विंड लोड का डेफिनेशन दिया है। तो ये एक तरीका का लेटरल लोडिंग है, और ये कहाँ पे दिखेगा, हाई टेरेन में, अगर हायर हाइट में बना रहे हैं, दोनों में से कोई एक को कंसिडर करना है। अब हाइड्रोलिक लोडिंग कब आती है, हाइड्रोलिक लोडिंग भी एक तरीके की लेटरल लोडिंग सिस्टम है। ये आएगी कब, कब आएगी, जब हमारा स्ट्रक्चर किसी पानी के अंदर बन रहा है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई रिवर है, यहाँ पे कोई लेक है, तो उस टाइम पे हाइड्रोलिक लोडिंग हमें लेना है। अब ये हाइड्रोलिक लोडिंग कब लेंगे, ये हाइड्रोलिक लोडिंग लेंगे आपके जब हमारा जो भी रिवर है वो उसके पीक पे होगा, मतलब कि जब आपका मैक्सिमम वाटर आ रहा होगा, जो भी मैक्सिमम वाटर आपका आ रहा होगा, तो इस मैक्सिमम वाटर के टाइम पे आपका हाइड्रोलिक प्रेशर कितना होगा, क्या लेना है यहाँ पे आपका, हाइड्रोलिक प्रेशर लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर, मैक्सिमम वाटर अगर आ रहा है तो उसके लिए कितना हाइड्रोलिक प्रेशर होगा। हाइड्रो अभी आप FM वगैरह पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो अगर हम जो भी हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर है ना ρAg, तो हम यहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर निकालेंगे। हाइड्रोलिक प्रेशर निकालने के बाद अब इसको इम्पोज पूरे कंपोनेंट्स में नहीं करना है ना। ये जो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर है ये खाली आपका कहाँ आएगा, कॉलम्स में आएगा, जो भी आपके कॉलम्स हैं उनमें आपको इसको अप्लाई करना है कि कॉलम कहीं आपका टर्न आउट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम्स में हमें इसे कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।